गाइज अगर आप ऑफिस जाते हैं, बिजी रहते हैं, अगर आपके पास जिम जाने का टाइम नहीं है और फैट लॉस अगर आपका क्वेश्चन है या वेट लॉस इज द प्रॉब्लम, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू। वी विल बी बैक वॉचिंग। गाइज अगर आप ऑफिस गोअर हैं, अगर आप 9 to 5, 9 to 6 का आपका जॉब है, उसके बाद में फैमिली, सोशल कमिटमेंट्स, वीकेंड पे आपके रेगुलर पर्सनल काम होते हैं, आपको बिल पे करना होता है, कुछ फंक्शंस अटेंड करने पड़ते हैं, बहुत सारे सोशल ऑब्लिगेशंस होते हैं। और अगर आपको ट्रेनिंग के लिए या जिम जाने के लिए टाइम नहीं है, उसका ऐसे लाइफस्टाइल का सबसे बड़ा और सबसे कॉमन जो आउटकम होता है वो होता है इस एरिया के अंदर फ़ैट का अक्यूमुलेशन। नॉर्मली बैली फ़ैट सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, बट दूसरे एरियाज़ भी होते हैं जैसे हिप्स, थाइज़, बैक ऑफ द आर्म, नेक, जहाँ पर कि फ़ैट डिपोजिशन हो जाता है। सो आज हम बात करेंगे कि फ़ैट एक्यूमुलेट या स्टोर कैसे होता है इन फर्स्ट प्लेस। उसके बाद हम बात करेंगे कि व्हाट आर द मेजर्स जो कि हम ले सकते हैं विदाउट गोइंग टू जिम टू कट डाउन ऑन दैट फैट। एंड इन द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल टॉक अबाउट द डाइट एंड द एक्सरसाइजेस। इफ़ यू वांट टू एक्सरसाइज इज ऑप्शनल इन दिस वीडियो, स्पेशली ऑन डाइट, व्हाट यू कैन डू मिनिमाइज फैट स्टोरेज। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कॉमन मिथ फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर है या लोग आपको बोलते हैं स्पॉट रिडक्शन। देखिए, स्पॉट रिडक्शन जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। अगर आपको कोई प्रोग्राम, वेट लॉस, फैट लॉस प्रोग्राम सेल कर रहा है ऑनलाइन या किसी जिम के अंदर, ये जो आपको ये बोलता है कि हाँ सिर्फ आपके बैली पेयर से हम फैट हटा के देंगे आपको 2 वीक 3 वीक चैलेंज गारंटी, इट्स अ बीएस गाइस। अप्लाई कॉमन सेंस। जब आप मसल पुट ऑन करते हैं, मसल आपके पूरे बॉडी में होता है, ब्लड आपके पूरे बॉडी के अंदर होता है, जितना भी आप खाना खाते हैं वो आपकी पूरी बॉडी में जाता है, सिर्फ पेट को नहीं मिलता है या सिर्फ थाइस को नहीं मिलता है। उसी तरीके से जब फैट डिपोजिशन होता है, अंडरस्टैंड दिस थिंग, फैट पूरी बॉडी के अंदर अक्यूमुलेट होता है। हाँ, ये बात अलग है कि किसी इंडिविजुअल के अंदर वो फेस पे ज़्यादा दिखेगा, नेक पे ज़्यादा दिखेगा, किसी इंडिविजुअल के लिए वो टमी पर ज़्यादा दिखेगा, बट फैट पूरी बॉडी के अंदर अक्यूमुलेट होता है और स्टोर होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात दिमाग से निकाल दीजिए अगर आपको कोई कहता है कि स्पॉट रिडक्शन इज़ द थिंग। देयर इज़ नो सच थिंग एज स्पॉट रिडक्शन। आप गूगल करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ़ैट एक्यूमुलेट कैसा होता है। देखिए, फैट एक इनएक्टिव टिश्यू है, मसल एक एक्टिव टिश्यू है। फैट कैसे स्टोर होता है? जब हम खाना खाते हैं तो ऑब्वियसली वो खाना अंदर जाके बर्न होता है इनटू ग्लूकोज विच प्रोड्यूसेस एनर्जी इन फॉर्म ऑफ कैलोरीज। तो जब हम खाना खाते हैं और कैलोरीज प्रोड्यूस होती हैं, अगर हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम उन कैलोरीज को बराबर से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, बॉडी उसे एज अ फैट स्टोर कर लेती है फॉर फ्यूचर यूज़। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपने लास्ट वीडियो के अंदर बात करी थी कि किसी और टाइम हम इंसुलिन पे बात करेंगे। अगर आपको ये टॉपिक बोरिंग लगता है या अगर आप साइंस थोड़ा सा नहीं समझना चाहते हैं तो आपके लिए फ़ैट लॉस, वेट लॉस मुश्किल हो जाएगा। सो प्लीज़ स्टिक टू दिस पार्ट ऑफ द वीडियो, मैं इसको बहुत शॉर्ट रखूँगा। इंसुलिन सबसे पहले क्या होता है? इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है। ओके, इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन इज़ अ ट्रांसपोर्टर हार्मोन, मतलब इट्स अ शटलिंग हार्मोन होता है। आपने कुछ खाना खाया, सलाइवा के अंदर कुछ एंजाइम्स से मिक्स हुए, इसोफेगस के अंदर वो गया डाउन, वो स्टमक के अंदर गया जहाँ पे बाइल जूसेस और दूसरे जूसेस होते हैं, खाना खाते ही जो हमारा सिस्टम है वो बाइल जूस और दूसरे जूस सीक्रेट करता है, जिससे कि डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद भी कुछ स्टेप्स होते हैं, लिवर का उसमें रोल होता है, गॉल ब्लैडर का उसमें रोल होता है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन का उसमें रोल होता है, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है खाने का। नटशेल के अंदर तो बॉडी उस ग्लूकोज को ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज़ करती है। ब्लड स्ट्रीम्स जो कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर जाती हैं, और ब्रेन में जाएगी, हार्ट में जाएगी, डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर जाएगी, डिफरेंट लिम्स के अंदर जाएगी और मसल सेल्स के अंदर जाएगी। तो वो ब्लड स्ट्रीम जब इन सब जगहों पे पहुंचती है तो वो ग्लूकोज को लेके पहुंचती है। वो जो ग्लूकोज आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर बह रहा है, फ्लो कर रहा है, उसको मसल टिश्यूज़ एब्जॉर्ब कर सकें फॉर ग्रोथ, फॉर फंक्शनिंग, फॉर मेटाबॉलिक फंक्शंस। इंसुलिन उस ग्लूकोज को मसल टिश्यूज़ के अंदर भेजता है। वापस से टॉपिक पे आते हैं, फैट लॉस का इंसुलिन से क्या ताल्लुक है। देखिए, जैसे ही इंसुलिन स्पाइक हुआ, आपने खाना खाया, इंसुलिन स्पाइक हुआ, मसल टिश्यूज़ के पास गया। अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप जिम नहीं जाते हैं, आप किसी भी तरह का वर्कआउट नहीं करते हैं, आप सिर्फ ऑफिस जाते हैं, कार के अंदर बैठ के गए, उसके बाद आप ऑफिस में डेस्क पहुँच गए, वहाँ बैठे रहे 4 घंटा, आप उठे कॉफ़ी के लिए, फिर आके बैठ गए, फिर आप 1 घंटे के बाद उठे लंच पे, आपने लंच खाया, 15-20 मिनट के बाद आप वापस से आके बैठ गए, 5-6 बजे तक आप बैठे ही हुए हैं। उसके बाद आप घर चले गए, घर जाके आपने क्या किया, फिर से आप सोफे पे बैठ गए टीवी के सामने, आपने कुछ स्नैक्स खाया, डिनर टाइम हो गया, आपने डिनर खाया और आप सो गए। तो आपने फिजिकल वर्कआउट तो किया ही नहीं। अब देखिए क्या होता है, खाना खाया, इंसुलिन स्पाइक हुआ, इंसुलिन ग्लूकोज के लेके मसल के पास गया, मसल ने बोला भाई आपने तो कुछ काम ही नहीं किया, तो मसल का तो कुछ काम हुआ ही नहीं, हम तो सुबह से ऐसे खाली बैठे हुए हैं, तो हमें तो ज़रूरत नहीं है, हमारा ग्लाइकोजन फुल है। ओके, अब वो क्या करेगी ब्लड स्ट्रीम, इंसुलिन उसको फैट स्टोर, फैट सेल्स के पास लेके जाएगा। फैट सेल्स बोलते हैं हाँ, अगर मसल्स को ज़रूरत नहीं है तो हम उसको एज अ फैट स्टोर कर लेते हैं। जब आपको ज़रूरत पड़े, जब आपको खाना नहीं मिले, या जब आप स्टार्वेशन मोड में होंगे, या आप बीमार पड़ गए और आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तब हम इस एनर्जी को फैट सेल से रिलीज़ कर देंगे, जिससे कि आप अपने बाकी के बॉडी फंक्शंस कर सकें। नतीजा क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, आप फैट गेन करते हैं और आपका वेट बढ़ जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है कि जब आप खाना खाए जा रहे हैं और आप उस खाने से प्रोड्यूस्ड कैलोरीज़ को या एनर्जी को जब आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी उसको एज अ फैट स्टोर कर देती है, ऑल्सो नोन एज विसरल फैट। तो जितना भी मोटापा, जितना भी फैट, चर्बी जो आपको अराउंड द बैली दिखती है, अराउंड द थाइज दिखती है, इट इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ 1 डे और 1 वीक ऑफ ईटिंग। गाइज, be honest and accept it that this is a result of you not being active, you not being working out for years, and obviously you being eating a lot of tasty food, which has resulted in this fat accumulation. Let's talk about some measures that we can take to reduce. इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने एक लिंक डाला हुआ है कैलोरी कैलकुलेटर का, आप प्लीज़ उसको क्लिक करिए। सबसे पहले इस वीडियो को इधर पॉज करिए, उस लिंक पे जाइए, उसके अंदर आपको एक सिंपल टेबल मैट्रिक्स, हाइट, वेट, कितने एक्टिव हैं आप, वो सब 2-3 पैरामीटर्स हैं, सिर्फ पुट इन करिए और नीचे बटन पे क्लिक करिए, तो वो आपको दिखाएगा कि आपकी डेली कैलोरिक रिक्वायरमेंट कितनी है। कैलोरी की बात करते हैं, हमारी डेली रिक्वायरमेंट जो आपको पता पड़ेगी उस कैलोरी कैलकुलेटर से, आपकी डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट है 2000 कैलोरीज। यहाँ पर इक्वेशन आती है कैलोरी इन और कैलोरी आउट। मैंने अपने पिछले वीडियो में बात करी थी कि मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कैलोरी इन कैलोरी आउट कैसे वर्क करता है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट एक दिन की 24 घंटे की 2000 कैलोरीज है, अगर आपका फूड इनटेक इस तरह का है, अगर आपकी ईटिंग हैबिट्स इस तरह की हैं कि आपकी डेली कैलोरिक इनटेक 2000 से ऊपर है, ब्रेकफास्ट, स्नैक, देन लंच, देन स्नैक, देन डिनर एंड देन स्वीट, डिज़र्ट, जितना भी आप खाते हैं 24 आवर्स के अंदर, अगर उसका टोटल आप कैलोरी कैलकुलेट करेंगे, अगर वो 2000 से ऊपर है, इसका साफ और साफ एक ही मतलब है कि एक्स्ट्रा कैलोरीज आपको सिर्फ फैट डिपोजिशन में रिजल्ट करेंगी। देयर इज़ नो गुड यूज़ ऑफ इट, दैट इज़ कैलोरी इन। कैलोरी आउट होता है कि आपने कुछ ऐसा फिज़िकल एक्सरसाइज, कुछ ऐसा वर्कआउट किया है, कुछ भी इस तरह का काम किया है जिसमें आपका फिजिकल लेबर इन्वॉल्व है, तो आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं। जितनी कैलोरीज आप बर्न करते हैं वो कैलोरी एक्सपेंस या कैलोरी आउट। फैट लॉस के लिए नंबर 1 चीज़ जो आपको करनी पड़ेगी, कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ेगा। कैलोरी डेफिसिट का सिर्फ इतना सिंपल मतलब होता है, प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर उस बंदे का डेली रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरी था, आपको अपना कैलोरी इंटेक 2000 से घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा? तकरीबन 400 से 500 कैलोरीज। अब बात करते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो काम करना पड़ेगा वो ये है कि आप एक पेपर पे लिखिए कि आप जब उठते हैं तब से लेकर के जब आप बेड पे जाते हैं सोने तक आप क्या क्या खाते हैं। शुरू के अंदर ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये तो ये बहुत सारा एफर्ट है, बहुत सारा काम है। गाइस, ये आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, यू आर डूइंग दिस फॉर योरसेल्फ। आप इतना भाग दौड़ करते हैं, मेहनत करते हैं, फैमिली को टाइम देते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, अगर आप अपनी हेल्थ को ही इग्नोर या निगलेक्ट कर देंगे दैन ऑल ऑफ दिस इज़ अ वेस्ट। अगर आप 15 मिनट 24 घंटे में से 15 मिनट अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे सकते, फॉरगेट गोइंग टू जिम और फॉरगेट गोइंग आउट टू जॉगिंग और डू योगा और रनिंग और फास्टिंग और एनीथिंग, सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट अगर आप अपने लिए नहीं निकाल सकते हैं तो इससे तो बुरी कोई बात हो ही नहीं सकती। हम हमेशा बोलते हैं कि हम मोटे होते जा रहे हैं या हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, नहीं है। ये सब सिर्फ एक्सक्यूजेज हैं। सबसे बड़ा रीज़न और इकलौता रीज़न ये है कि हमारे पास अपने खुद के लिए, अपने खुद की लाइफ के लिए, अपने खुद की हेल्थ के लिए टाइम नहीं है। पता नहीं क्यों हम इस चीज़ को अवॉइड करते रहते हैं। एनीवेज, सो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप लिखिए एक पेपर के अंदर कि आप उठने से सोने तक क्या क्या खाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप उठे, आपने चाय पी, क्या आपने उसमें शुगर डाला? यस। आपने उसके साथ ब्रेकफास्ट खाया, ब्रेड, सैंडविच, डोसा, पराठा, जो भी आप खाते हैं, उसके अंदर कितनी कैलोरीज थी पेपर के अंदर लिखिए। फिर आपने स्नैक्स खाया, आपने कुकीज़ खाए, ऑफिस के अंदर कोई चॉकलेट लेके आया था, आपसे रेजिस्ट नहीं हुआ, आपने वो चॉकलेट खा लिया, मफिन खा लिया, बेगल, डोनट, सैंडविच, व्हाटएवर इट इज़, पेपर में लिखिए कितनी कैलोरीज थी उसके अंदर। कितनी कैलोरीज थी वो या तो आप उसके खाने के बॉक्स पे देख सकते हैं, लिखा हुआ होता है हर जगह लेबल पे, या फिर आपने जो भी खाया उसको गूगल कर लीजिए, हाउ मैनी कैलोरीज इन वन सैंडविच इट विल गिव यू। सो आपके लिए दिक्कत नहीं होगी कि ये पता करना कि उस खाने में कितनी कैलोरीज थी। ओके, आपने लंच खाया, कितनी कैलोरीज थी लिखिए। 4 बजे टी टाइम के अंदर आपने स्नैक किया, कितनी कैलोरीज थी। तो आप घर गए, आपने फिर से चाय पी और फिर से कुछ स्नैक्स खाए, कैलोरीज लिखिए। और फिर आपने इवेंचुअली फाइनली आपका लास्ट मील, सपोजिटली लास्ट मील, डिनर, कैलोरीज लिखिए। उस पेपर को कैलकुलेट करिए। आप सरप्राइज हो जाएंगे खुद से कि आपने सोचा नहीं था और आपने इतनी ज़्यादा कैलोरीज एक दिन के अंदर कंज्यूम करी हैं। ये कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं और बहुत इफेक्टिव हैं आपको मोटा करने के लिए। सो नंबर 1, गो टू दैट कैलोरी कैलकुलेटर, चेक कि आपका इंडिविजुअल आपका जो हाइट वेट प्रोपोर्शन है उसके हिसाब से आपका कैलोरी रिक्वायरमेंट कितना है। नंबर 2, डू दिस एक्सरसाइज राइट नाउ, पॉज दिस वीडियो, ग्रैब अ पेन एंड अ पेपर और अ नोटबुक, राइट डाउन कि आपने सुबह से रात तक किसी एवरेज, ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल कट टू कट नंबर लिखना है, एवरेज आप सुबह से लेकर रात तक क्या क्या नॉर्मली खाते हैं लिखिए, उसको उसके अगेंस्ट उसकी कैलोरीज लिखिए, लाइन खींचिए, टोटल लिखिए, टोटल कैलोरीज इक्वल्स टू उन सब का सम। आपको पता चलेगा कि आपका टोटल कैलोरी इंटेक कितना हो रहा है। अगर आपके पास जिम जाने का टाइम नहीं है, प्लीज़ यूज़ 10 मिनट्स इन योर लिविंग रूम और एनी रूम इन योर हाउस टू डू सम काइंड ऑफ फिज़िकल एक्सरसाइज। फिज़िकल एक्सरसाइज सिर्फ 10 मिनट में आपको करने के लिए बोल रहा हूँ, उसमें आपको बिल्कुल एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा। 10 मिनट तो आप प्लीज़ मेहरबानी करके 10 मिनट तो निकालिए अपने लिए। उसके अंदर आप करेंगे स्किपिंग या जॉगिंग या हॉपिंग ऑन द सेम प्लेस। आपको गार्डन में जाकर के 10 राउंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑन द प्लेस वेयर यू आर जस्ट हॉप फॉर 5 मिनट्स। 10 मिनट के अंदर से 5 मिनट्स सिर्फ हॉपिंग होगी, जो हम रोप से स्किपिंग करते हैं। आपको रोप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स जस्ट अ मूवमेंट। आपको हॉप करना है, ध्यान में ये रखना है कि आपको हॉप करना है इतनी स्पीड से एटलीस्ट 5 मिनट, जिससे कि आपका हार्ट रेट अप जाए, आपको सांस लेने में दिक्कत हो। ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप आसानी से हॉप करते रहेंगे उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फैट बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा जब तक आपकी हार्ट रेट अप नहीं जाएगा। जब आपका हार्ट रेट अप जाएगा आप हाफते हैं, मतलब यू आर ट्राइंग टू गेट मोर ऑक्सीजन, जितना भी ऑक्सीजन फ्रेश ऑक्सीजन आप लेंगे ब्लड के अंदर जाएगा, वो आपके फैट सेल्स के अंदर जाएगा, फैट को ऑक्सीडाइज करेगा। सो प्लीज़ मेक श्योर द 5 मिनट स्किपिंग और 5 मिनट हॉपिंग शुड एलिवेट योर हार्ट रेट। उसके बाद जो बचे हुए 5 मिनट के अंदर हैं, उसके अंदर आप 10 पुशअप्स लगाइए ज़मीन पे, ओके, उतना आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं लगा सकते हैं उतना तो 5 पुशअप्स से स्टार्ट करिए, धीरे धीरे स्ट्रेंथ और स्टेमिना बिल्ड करिए एंड कम अप टू 10 पुशअप्स। आफ्टर योर 10 पुशअप्स यू स्टिल हैव फ्यू मिनट्स लेफ्ट, ओके। उसके अंदर आप करेंगे अपने जितने भी आपके जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स को रिलैक्स करेंगे, जॉइंट को लूज़ करेंगे, जिससे कि आपके जो स्पाइन के अंदर या जो नेक के अंदर ये जो आप ये करते रहते हैं आपको पेन होता है, या फिर आप जो स्ट्रेच करते हैं आपको पेन होता है। आप स्ट्रेच क्यों करते हैं? बिकॉज आपको बैक में या बैठे रहने की वजह से, जैसे मैं बैठा हूँ अभी, लोअर बैक में या शोल्डर एरिया के अंदर या फिर ये जो एल्बो होता है यहाँ पे पेन हो जाता है। अगर आप कंप्यूटर पे सारा वक्त काम करते हैं, अगर आप आईटी के अंदर हैं या नहीं भी हैं, आजकल तो हर जगह कंप्यूटर यूज़ होता है। सो आपकी रिस्ट और आपके एल्बोज़ और आपके जो शोल्डर का जो बैक पोर्शन होता है वो डेफिनेटली पेन करता होगा, और इससे भी ज़्यादा जो पेन करती है वो है लोअर बैक। इसलिए स्ट्रेचिंग और जो मैंने अभी आपको बताया जितने भी आपके जॉइंट्स हैं उनका रिलैक्सेशन, उनका मूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है। मूवमेंट, आप अपने हेड को रोटेट करिए लाइक दिस 5 टाइम्स इन अपोजिट डायरेक्शन। आप अपनी रिस्ट को मूव करिए 5 टाइम्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। सेकेंड हैंड 5 टाइम्स एंड 5 टाइम्स इन द रिवर्स डायरेक्शन। You still have few more minutes before your 10 minutes gets over. After the wrist and after the neck movement, elbow, rotate your elbow slowly like this 10 times and 10 times in the opposite direction, both hands, elbow. जब आपका elbow movement over हो जाए, next come the shoulder. जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था, ये जो rotator cuff होते हैं ये बड़े पेन पॉइंट होते हैं। 10 टाइम्स फॉरवर्ड, 10 टाइम बैकवर्ड, बोथ आर्म्स। लास्ट मूवमेंट, आप अपने कारपेट पे या फ्लोर पे बिल्कुल सीधे लेट जाइए, ओके, एंड ट्राई टू रेज योर लेग्स लिटिल बिट ऑफ द ग्राउंड टुगेदर। आप दोनों पैरों को ऊपर लेके आइए, ब्रीथिंग कांस्टेंट रखिए। जब आप लेग्स को ऊपर लेकर के आएंगे, आपके लेग्स ज़मीन पर हैं, ओके, आप ब्रीद इन करेंगे, लेग्स को ऊपर लेकर के आएंगे, ब्रीद आउट करेंगे और लेग्स को नीचे लेकर के आएंगे। ऐसा आप 10 टाइम्स करेंगे। सिर्फ शुरू के 10 मिनट्स जो है आप इन मूवमेंट्स को करिए और इसको एटलीस्ट 3 वीक्स तक करिए। यू विल फील द डिफरेंस, यू विल फील, आप नोटिस करेंगे कि आपके एनर्जी लेवल्स अप हुए हैं, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आई है और आपके जो रिकरिंग पेन है वो काफ़ी हद तक कम हुए हैं। ये तो सिर्फ तब है जब आपने अपनी डाइट को थोड़ा सा कंट्रोल किया है और आपने सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज अपने लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट किया है। इस वीडियो को दोबारा देखिए प्लीज़ और अंडरस्टैंड कि हाउ फैट इज़ एक्यूमुलेटेड। अगर आपने अभी तक कैलोरी कैलकुलेटर लिंक पे क्लिक नहीं किया है और वीडियो ओवर हो रहा है, प्लीज़ उस लिंक को क्लिक करिए और उसके बाद आप ये वाला 10 मिनट का वर्कआउट रोज़ ऑफिस जाने से पहले सुबह करेंगे। उसके बाद ही आप तैयार होंगे और ऑफिस जाएंगे, और जब आप ऑफिस जाएंगे मेक श्योर नो स्नैकिंग, नो शुगर, ओनली यू विल डू ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। गाइस, होपफुली आपको ये कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टिपिकल डाइट जो होनी चाहिए अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं। वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड इंटरमिटेंट फास्टिंग और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और आप किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ऑल्सो इन द कमिंग वीडियोज़ हम बात करेंगे ऑन द डाइटिंग, स्पेशल डाइट जो कि जिम गोअर्स के लिए होगी, जो लोग जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, वो क्या खा सकते हैं इन ऑर्डर टू गेन वेट एंड लूज फैट। ऑलराइट गाइस, आई होप दैट मेक्स सेंस। प्लीज़ स्टार्ट इनकॉर्पोरेटिंग दोज टिप्स। मुझे नीचे कमेंट के अंदर बताइए कि आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी या यूजफुल नहीं लगी। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू लाइक इट। कीप कमिंग बैक टू देसी आर्म्स। सी यू नेक्स्ट टाइम ऑन।